नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, और आपसे लगातार सपनों के बारे में बात करती हूं। सपनों के बारे में इसलिए बात करती हूं क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और इतना मिस्टीरियस सब्जेक्ट है कि इसके बारे में जितनी रिसर्च की जाए मुझे लगता है उतनी कम। क्यों? क्योंकि हमारे सपनों के कोई दायरे नहीं होते, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपको मुझे शायद पैरामीटर, यू नो, बेस लाइन, वाटर लाइन, हम सबके सपने की सेम रहे, लेकिन फिर भी अलग समय पर अलग नज़रिए से अलग एलिमेंट्स के साथ अलग लोगों के साथ वो सपने नज़र आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि या तो आपने खुद ने या फिर किसी ने आपके साथ ये सपना ज़रूर कभी ना कभी डिस्कस किया होगा, जब हम सपने में खुद को फेल होते हुए देखते हैं। खुद पे इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि जब खुद को ये सपना आता है तो बहुत परेशान वाला होता है कि क्यों, स्कूल को पास किए हुए तो अरसा हो गया है, फिर भी मैं अभी तक एग्ज़ाम जो है वो क्यों दे रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वही टॉपिक्स को इंक्लूड करती हूँ जब बहुत सारे जो लोग हैं जिनको कॉमन वो सपने, मुझे लगता है कि ये वाले सपने काफ़ी बार मेरे चैनल पर लिखे गए हैं या मुझे इनबॉक्स में आ चुके हैं, तो इसका मतलब इस पर वीडियो जो है वो करना चाहिए और आई एम श्योर कि वो लोग आपसे कभी ना कभी ये सपना ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जब सपने में हम खुद को एग्ज़ाम देते हुए देखें। पहली सिचुएशन, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लगातार ऐसे सपने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस को इंडिकेट करता है, तब बहुत ज़्यादा इस सपने का रेलेवेंस नहीं है। इस सपने का मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, नर्वसनेस से बचें और अपनी तैयारी को संपूर्ण रखें। अब अगर तैयारी है फिर भी नर्वसनेस तंग करती है तो इसका मतलब आपको किसी मेंटर की सलाह की, उनकी गाइडेंस की, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है। मोटा मोटा पढ़ाई से ना डर के सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट रहने के लिए ये सपना मैसेज देता है। जब ज़्यादातर ये सपना तब आता है जब हम स्कूल या कॉलेज पास कर चुके होते हैं, तब लगातार कई, यू नो, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी हमें ये सपना आ रहा होता है कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें हम फेल हो गए हैं। इस सपने का मतलब तब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मेरे एक्सपीरियंस में जब हमने अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स या अपनी लाइफ में जो हम पाना चाहते हैं अपना एक दायरा बढ़ा लिया है, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया है कि मुझे इस लेवल तक ज़िंदगी में पहुंचना है, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी या फियर आना शुरू हो जाए, डर लगना शुरू हो जाए कि क्या मैं इस मुकाम तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, या मैं कहीं रास्ते में फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, या मैं जो स्टैंडर्ड अपनी फैमिली के लिए सेट कर रहा हूँ हम उसे आगे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, तब ऐसे सपने आते हैं। दूसरी बार जब आपकी करियर में आपके बॉस या आपकी टीम आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर मोटा मोटा जब बॉस से कभी डांट पड़ रही हो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, तब भी ऐसे सपने आते हैं। पर यही सपना अगर बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है और एक लगातार एक इंटरवल पर ही आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ से या अपने लिए जो एक्सपेक्टेशंस को सेट किया हुआ है उन्हें करेक्ट करने का समय है। उनको एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई हमें नहीं रखना चाहिए कि जब हम अगर हम उस लेवल तक ना पहुंच पाएँ या वैसी चीज़ें अभी मौजूदा ज़िंदगी में ना हो रही हों तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को चोट लगे। तब ये सपनों का इलाज क्या है? इसका मतलब है आपको किसी करीबी से या जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उस पर, उससे बात कर कर, जिक्र कर कर अपने इस बोझ को हल्का करना चाहिए। कई बार जब हमारे हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशंस जब चेंज हो रही होती हैं और आगे आने वाला समय जो है वो थोड़ा कष्टकारी होता है, तब भी ये सपने जो है हमें मैसेजेस देते हैं कि अब जो है अपने प्रोफाइल को थोड़ा लो करने की ज़रूरत है, इस समय अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद जिस तेज़ी से हम रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे आने वाले समय में रिज़ल्ट हमें उतनी ही तेज़ी से या उस लेवल के या उतने अच्छे रिज़ल्ट शायद ना मिले। बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन आपके सपने में आपने किस चीज़ में खुद को फेल होते हुए देखा? अब वो ड्राइविंग टेस्ट अगर फेल होते हुए देखें, इसका मतलब ये है कि शायद आने वाले समय में आप ड्राइविंग से रिलेटेड कोई गलती कर सकते हैं। बहुत बार मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि आने वाले समय में लोगों का, यू नो, रेड लाइट जंप किया तो चलान हुआ, तो ये सपना एक वार्निंग साइन था कि आपको अपनी गति को थोड़ा धीमे करना है। पर अगर ड्राइवर कार चलाते हैं, आपका ड्राइविंग से कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी आपको तंग कर सकती है।
दूसरी चीज़, अगर आपने अपने सपने में किसी करीबी को फेल होते हुए देखा, वो करीबी कोई भी हो, कि मेरे फादर टेस्ट दे रहे हैं, मेरी मदर टेस्ट दे रही है, मेरे हस्बैंड टेस्ट दे रहे हैं, मेरा बेटा या बेटी टेस्ट दे रहे हैं, भाई या बहन टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी आपका अपना क्लोज सर्कल में टेस्ट दे रहा था और वो फेल हो गया, इसका मतलब आपका अपने उनके साथ अपने रिश्ते पर काम करने की आपको ज़रूरत है। अब ये ज़रूरी नहीं कि भाई का सपना आया कि भाई फेल हुआ तो आपको भाई के साथ ही अपने रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है, बल्कि कोई भी आपके करीबी रिश्ते की बात कर रहा है, या फिर कई बारी आपके जो करीबी पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फाइनेंसेस हैं, हमारी नौकरी है, यू नो हमारा रिश्ता है किसी के साथ, या हम कोई नया रिश्ता जोड़ने जा रहे थे, उनसे रिलेटेड मैसेजेस भी ये सपने हमें देते हैं। खैर, आपका सपना बिल्कुल अलग होगा, लेकिन बॉटम लाइन यही होगी कि जब सपने में फेल होते हुए देखें, इसका मतलब डरने की बात नहीं है, थोड़ी अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और किस सपने के बारे में आप सुनना चाहते हैं, मैं वो टॉपिक्स को कोशिश करूँगी कि उन्हें आगे आने वाले टॉपिक्स में इंक्लूड करूँ। प्लेलिस्ट हमारी एडेड है, तो अगर कोई सपने के बारे में आप मुझसे लिखने से पहले ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा, शायद मैं उसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जुड़े रहिएगा चैनल पर, और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जो ड्रीम से रिलेटेड होंगी, तो आप इसे एक रेफरेंस बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपना सपना भी मुझे लिख सकते हैं। जैसे जैसे समय अलाउ करेगा, मैं कोशिश करूँगी कि उन मैसेजेस का रिप्लाई दूँ। Till then, take care. See you tomorrow with another video.